नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो चलिए कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। इस टॉपिक में दो साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव में है चार, पॉजिटिव में भी है चार, कुल मिला के आठ। तो धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन पहले बातें हैं नेगेटिव साइड की ओर, फिर पॉजिटिव साइड क्यों करेंगे। पहले आते हैं डेफिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। जी, आपके सामने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये कि जो आपका जो व्हाट्सएप है, जो आपका जो इंस्टाग्राम है, जो आपका जो फेसबुक यूट्यूब है, और जो आपका जो न्यूज़पेपर है, उसमें इंफॉर्मेशन के अलावा फिल्मी दुनिया की भी होती है, ग्लैमर दुनिया की भी होती है, Page 3 भी होता है, Page 4 भी होता है। तो इसलिए उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपकी लाइफ को असर करता है, जो आपको महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में असर करता है। जैसे जैसे ये कंघी, ठीक है, ये कंघी मान लो कि दीपिका पादुकोण के पास भी है, ठीक है, आपने उसको यूज़ करते हुए देखा इस कंघी से पद्मावत में किसी भी मूवी में आपने इसको यूज़ करते हुए देखा उसे, ठीक है, आपका मन आएगा तो आप इस कंघी को लोगे और अपनी स्टोरी डालोगे। तो वो जो स्टोरी डालने का जो प्रोसेस है, लेने का जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आपको इफेक्ट करे और आपके पॉकेट को इफेक्ट करे। जैसे हो गया महंगे महंगे कपड़े जो सुपरस्टार्स पहनते हैं, जो महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं, महंगे महंगे जूते पहनते हैं, उससे आपकी पॉकेट भी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट आता है, सबसे कॉमन है, स्ट्रेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस मतलब तनाव, आउट ऑफ कंट्रोल मतलब इमोशन का, इमोशन का आपको मतलब बात किसी भी बात में हंसने लग जाना, किसी भी बात में रोने लग जाना, दुखी हो जाना, मायूस हो जाना, डिप्रेशन का असर आना, डिप्रेशन का असर आना, सॉरी। तो जैसे मान लो कि आपको कोई काम है, मतलब काम का तनाव है, आपके बॉस ने आपको वर्कलोड दे दिया है, ठीक है, वर्कलोड दे दिया है, तो उस वर्कलोड की वजह से, उस डेडलाइन की वजह से आप जो काम है वो कंप्लीट ना कर पाए, वो जो काम है टाइम पीरियड में कंप्लीट ना कर पाए, और उसके चलते आपको स्ट्रेस हो जाए और आउट ऑफ इमोशनल हो जाओ और बात बात में रोने लगो कि हे राम क्या होगा, हे राम क्या होगा। तो उसे कहते हैं स्ट्रेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। आसान भाषा में मान लो आप स्कूल में हो, ठीक है, मान लो स्कूल में हो, तो स्कूल में क्या होता है कि जब टीचर आपको असाइनमेंट देती है, होमवर्क देती है या कुछ भी देती है, तो आप एक टाइम पे आके ब्रेक डाउन हो जाते हो, तो उस ब्रेक डाउन को कहते हैं स्ट्रेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। ये है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वन। आता है लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस ये है कि एग्जांपल ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में आपको बहुत सारे कंपटीशन मिलते हैं, ठीक है, कंपटीशन मिलने के दौरान आपको बहुत सारे वर्कलोड भी मिलता है, उस वर्कलोड को अगर आप पूरा करो तो आपको प्रमोशन भी मिलता है, नहीं पूरा करो डिमोशन भी मिलता है, और अगर बिल्कुल भी ना पूरा करो तो आपको जो बॉस है, आपका जो लीडर है, वो आपकी फरियाद लगा देता है आपके बॉस से। तो उस डर के मारे आपको आ जाता है लैक ऑफ फोकस, मतलब आपका काम पे ध्यान नहीं देते, आपको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, मतलब आप टाइम पे वहाँ पे होते हो, फिजिकली वहाँ पे होते हो, लेकिन मेंटली कहीं और होते हो। तो ये है ऑफिस लाइफ में लैक ऑफ फोकस।
फोकस। अब आते हैं स्कूल स्कूल लाइफ के बारे में, ठीक है। स्कूल लाइफ में जैसे आपको आपको टीचर ने पूछा कि फलाना फलाना में कितनी लड़ाई हुई थी, या फलाना फलाना या हिस्ट्री का कोई सवाल पूछ लिया या कुछ भी सवाल पूछ लिया, तो आप उस टाइम पे अपनी सपनों की दुनिया में होते हो। तो ये है स्कूल लाइफ में लैक ऑफ फोकस, मतलब आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, आपका ध्यान कहीं और है। तभी टीचर कहती है ना कि आपको कि बेटा ध्यान ध्यान से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आ रही है वरना फेल हो जाओगे। तो उस फेल हो जाओगे के डर से आपको आपके माइंड में आप वो फेल 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 वाले आ जाते हैं इम्प्रेशन कि ये भगवान फेल मत करना, ये भगवान ये मत करना, ये भगवान वो मत करना, ये भगवान फलाना मत करना। तो उस फेल के चक्कर से आप हो जाते हो लैक ऑफ फोकस। तो ये था नेगेटिव इमोशन नंबर, सबसे डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज। इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि 10 सेकंड में आप खुश हो, अगले 10 सेकंड में उसके 10 सेकंड में आप न्यूट्रल हो, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। उसके 10 सेकंड में आप चिड़चिड़े हो, गुस्से में हो। उसके 10 सेकंड में आपको किसी को मारने का मन कर रहा है। उसके 10 सेकंड में आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया कि यार ये मेरे से नहीं होगा। उसके 10 सेकंड में ये आपका हो गया कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। उससे 10 सेकंड में आपका आप बिल्कुल नॉर्मल। तो ये आप मूड स्विंग्स भी कह सकते हो, और मतलब यार मूड स्विंग्स ना ही करो तो अच्छा है, मूड स्विंग्स ना ही करो तो अच्छा है। क्योंकि मूड स्विंग आप एक पल में उदास, एक पल में खुश, एक पल में सैड, एक पल में मायूस, एक पल में डिप्रेशन, एक पल में आपका न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। मतलब जैसे हो गया कि आपका एक दोस्त आपको वो सुना रहा है, जोक सुना रहा है, और उस जोक के सुनने के बाद आपको हंसी आ जाए, मतलब जोक सुनने के बाद तो हंसी आई है, आएगी आएगी, लेकिन उस जोक के सुनने के बाद आपको हंसी आ जाए और हंसते हंसते आप रोना शुरू कर दो। तो ये है इनकंसिस्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो 10 सेकंड में हंसी, 10 सेकंड में रोना, ये आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंस बॉडी लैंग्वेज। तो मतलब ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आपको नेगेटिव चूज़ करना है कि पॉजिटिव चूज़ करना है, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये थी नेगेटिव साइड नंबर 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 3। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, नेगेटिव में आखिर आता है, आखिरी आता है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब ऑफिस फील्ड। पहले ऑफिस फील्ड मान लो कि आप किसी ने आपका काम नहीं किया, ठीक है, किसी ने आपने कहा आपका काम नहीं किया, तो आपके मुंह में सबसे पहले शब्द क्या हो गया आएगा, आई नो क्या आएगा, आई नो। लेकिन वो शब्द आपको मुंह से नहीं निकालना है, ठीक है, आपको मुंह से नहीं निकालना है। और किसी ने आपका जो काम है वो ख़राब कर दिया, तो आपके मुंह में वही आएगा ना सेंटेंस, उसको देख लूँगा, उसको देख लूँगा, उसको देख लूँगा, तू बाहर मिल फिल्टर को बताता हूँ, तू पिटेगा किसी दिन, मैं तेरी वो कर दूँगा, मैं तेरी वो कर दूँगा। तो ये होता है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब किसी का नुकसान पहुँचाना और अपना गुस्सा दिखाना और अपने दिमागी हालत में ना रहना, वो होता है नेगेटिव स्टेट, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, सॉरी। और एग्जांपल, और एग्जांपल, आपने मैं तेरा हीरो जो देखी होगी वरुण धवन वाली, तो उसमें तीनों वाले सीन में एक डायलॉग था, वो डायलॉग ये था कि जब वो गूंज को मार रहा होता है, गुंडे गुंडे लोगों को मार रहा होता है, तो
उन जैसे गोरा वाला गुंडा कुछ कहता है, अब गोरा वाला गुंडा ये कहता है कि तुझको ये बहुत भारी पड़ेगा। तो जो वर्ड है तुझको ये बहुत भारी पड़ेगा वो है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, और अगर वो पॉजिटिव में होता तो ये कहता सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। नेगेटिव में है तो सॉरी, नेगेटिव में सॉरी नहीं बोलेगा, सॉरी नहीं बोलेगा वो, नेगेटिव में ये बोलेगा तुझको ये बहुत भारी पड़ेगा। और ये भी बोल सकता है तू बाहर मिल फिर तेरे को बताता हूँ। तो ये है नेगेटिव के चार साइड। ये तो हो गया नेगेटिव में, अब बढ़ते हैं पॉजिटिव में, जो कि पॉजिटिव के पार्ट है चार। और पॉजिटिव में धीरे 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 आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा सा लंबा है। कितना? थोड़ा सा लंबा है, हाँ लंबा है। अब वो मैं धीरे 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 आपको समझाऊंगा, तो बने रहो और देखते रहो पॉजिटिव के चार पहलू। जी हाँ, चार। तो सबसे पहले आते हैं बिकेम एन इंगेज लिसनर। इंगेज लिसनर से मेरा मतलब है कि डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में, या सिंगल डिस्कशन में, या पर्सनल डिस्कशन में, या इंटरव्यू में, या कहीं पे भी इतना घुल मिल जाओ कि आपको टाइम का पता ही ना चले, और आप एक बैड लिसनर के जगह से गुड लिसनर की जगह में आ जाओ। जैसे आजकल जो टॉपिक चल रहा है, ड्रग्स का, नेपोटिज्म का, कोरोना वायरस का, LOC का, LAC का, बैट का, IPL का, और मास का, या पॉपुलेशन का, या पॉल्यूशन का, या फिल्म इंडस्ट्रीज का, या हो गया आपका स्टडीज़ का, या स्टूडेंट्स का, या टिकटॉक का, या यूट्यूब का। तो उन ये जितने भी जो नाम बोले हैं उन सब में एक गुड लिसनर की पहचान बनाओ। और तो दूसरा आता है पे अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल। अब देखते हैं गूगल में कि नॉन वर्बल सिग्नल का क्या मतलब है, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि नॉन वर्बल क्या होता है। नॉन वर्बल सिग्नल, नॉन वर्बल सिग्नल का ये मतलब है ये जो फोटोज दिख रही है ये, कि ओके नॉट ओके, मतलब ये आई एम गुड। जैसे कोई बंदा आपको बोलते हैं ना कि आर यू गुड, तो ये आई एम गुड। तो और हाँ, जैसे कोई आपको बोलता है कि खाने कैसा लगा, एक नंबर। हाँ, और हाँ ये है ऑफिस फील्ड में नॉन वर्बल सिग्नल ये। और हाँ ये तो ये थे कुछ एग्जांपल और सेकंड स्टेज कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा आते हैं की स्ट्रेस इन चेक। इसका मतलब कि अपने जो तनाव है आपका, जो अंदर की जो टेंशन है आपका, आपको जो डीमोटिवेट कर रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, वो उसका ध्यान रखें। अब उसका ध्यान कैसे रखें कि मान लो आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो, मान लो आप ऑफिस में हो, और आपको आपको जैसे स्ट्रेस हो रहा है हाई लेवल का, तो आप या तो टी ब्रेक के लिए जाते हो, पी ब्रेक के लिए जाते हो, तो अपने बिजी वर्क शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लो। थोड़ा सा ब्रेक लेके 15-20 मिनट्स का वो स्ट्रेस ब्रेक लो, और उसमें कुछ भी कर सकते हो, उसमें आप गाने सुन सकते हो, उसमें आप वो
उसमें आप बाहर वादियों में घूम सकते हो, उसमें आप वो पानी पीने जा सकते हो, उसमें आप एक वॉक शॉर्ट वॉक के लिए जा सकते हो, उसमें आप जिम भी जा सकते हो, उसमें आप सो भी सकते हो। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है? आपका आपका जो काम करने का जो ढंग है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा। फिर आते हैं लास्ट, एसर्ट योर सेल्फ। एसर्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि हाँ ढूंढते हैं, हाँ एसर्ट मतलब अपने आप को जोड़ के रखो, मतलब बिगड़ने ना दो। हाँ एसर्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि टू स्टेट वन ऑप्शन कॉन्फिडेंटली एंड एक्ट इन अ वे दैट यू विल मेक पीपल टेक नोटिस ऑफ वन, मतलब लोग आपकी मिसाल दे कि वो जो बंदा है ना वो क्या सॉलिड है, क्या चुमेश्वर है, वो जो बंदा है ना भाई उसके जैसा बंदा है। जैसे स्कूल टाइम की बात लो कि जब मम्मी पापा बोलते थे बेटा शर्मा जी के लड़के से कुछ ठीक, बेटा शर्मा जी के लड़के ने गाड़ी खरीद ली, बेटा शर्मा जी का लड़का ये हो गया, बेटा शर्मा जी का लड़का वो हो गया, मतलब कॉमन कॉमन ताने जो कि दिल में लगते हैं, ठीक है दिल में लगते हैं, दिमाग में, दिल में और दिमाग में दोनों में लगते हैं। तो एसर्ट होके आप मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होके आप काम करोगे अच्छे से, और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे विद इन अ वीक और अ ईयर। तो ये था कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और स्किल्स में ध्यान देना, जो भी मैंने आपको बताई है पॉजिटिव या नेगेटिव, और कमेंट में बताना कि कौन सा आपको पार्ट पसंद आया इस वीडियो में, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव के सारे पार्ट हो, चाहे वो नेगेटिव के सारे पार्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मेरी एंट्री क्यों ना हो, चाहे वो मेरी एग्जिट ही क्यों ना हो, और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे एक आई आइकन आ रहा होगा उसको दबा देना। और जो मैंने जो सबसे पहली जो एपिसोड वो किया है BMT का, वो आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना जाके, और सब्सक्राइब करवा देना अपने पापा को, मम्मी को, चाचा को, चाची को, फूफी को, फूफा को, ताया को, ताई को, जिसको भी आपको करवाना है करवा देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, शब खैर, बाय बाय, और जाके लंच करना है यार, भूख लगी है।